हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैम पर एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जैम के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिस पे हमने एक बिड लगाई थी और आज हम उस बिड को ओपन करने वाले हैं। मतलब कि हम पहले टेक्निकल बिड खोलेंगे और उसके बाद हम फाइनेंशियल बिड खोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह से आपको जब आप बिड लगाते हैं और उसका जो टाइम है, टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस करना होता है, वो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ बिड में हम जाएंगे और बिड में जाने के बाद यहाँ पे देखो, व्यू ऑल पब्लिश बिड है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी सारी बिड यहाँ पर आपको शो कर जाएगी, जितनी भी बिड हमने यहाँ लगा रखी हैं वो। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं, पहली बिड आप देखेंगे जो कि 28 सितंबर को शुरू हुई थी और जो उसकी लास्ट डेट थी वो 19 अक्टूबर थी, और इस 19 अक्टूबर को ये ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल जो पार्टिसिपेंट है वो 3 है, तो मिनिमम हमें 3 की रिक्वायरमेंट होती है। 3 पार्टिसिपेंट अगर आ जाते हैं तो हम बिड को ओपन कर सकते हैं। अभी हम दोस्तों ओपन नहीं करेंगे, अभी मैं इसको एक्सटेंड करके दिखाऊंगा आपको, ताकि जो है दोनों चीज़ एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाए। कि कई बार क्या होता है, हम मान लो पार्टिसिपेंट और चाहिए, डेट ख़त्म हो गई, तो अभी हम इसको 2-3 दिन के लिए और एक्सटेंड कर देंगे। चलिए मैं एक्सटेंड करके दिखाता हूँ आपको, ताकि हो सकता है कुछ पार्टिसिपेंट और आ जाएं। ओपन बिड पे क्लिक करेंगे। ओपन बिड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, जब ओपन टेक्निकल बिड आप क्लिक करेंगे नीचे, उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी डिटेल है बिड की, वो यहाँ पूरी डिटेल लिखी हुई है। तो ओपन टेक्निकल बिड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, एक ना आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है योर बिड हैज़ 3 पार्टिसिपेंट, वुड यू लाइक टू ओपन टेक्निकल और एक्सटेंड द बिड। तो हम क्या करेंगे, अभी ओपन करने का मैं ओपन कर सकता हूँ, बट अभी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में पता चल जाए कि बिड को एक्सटेंड कैसे करते हैं। ये आप डेट खत्म होने, जिस दिन डेट खत्म हो रही है उसी दिन कर सकते हैं या उससे 1-2 दिन पहले कर सकते हैं, लेकिन अगर डेट निकल जाए तो उसके बाद आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको 2-3 दिन के लिए एक्सटेंड कर देता हूँ, देखते हैं कोई पार्टिसिपेंट आता है या नहीं आता, और उसके बाद फिर मैं वीडियो को आगे शुरू करूँगा जब मेरे पार्टिसिपेंट, मतलब कि जब ये ओपनिंग डेट आएगी तो वहाँ से वीडियो को मैं शुरू करूँगा। फिलहाल मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ टाइमिंग भी डालनी पड़ेगी, कितने बजे आपको बिड जो है ख़त्म होगी। तो 25 अक्टूबर को 11 बजे कर देते हैं। यहाँ पे आपको रीज़न जो है वो लिखना है, तो आप रीज़न कुछ भी लिख सकते हैं कि रीज़न क्योंकि पार्टिसिपेंट कम है इसलिए एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि और भी पार्टिसिपेंट आ जाए, इस तरह का कुछ भी करके, और अपने हिसाब से आप जो है रीज़न दे सकते हैं। ओके कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, ये बिड जो है एक्सटेंड हो चुकी है, पहले 19 थी, अब जो है 25, जो एंड डेट है वो है 25 अक्टूबर, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आप तब शुरू करूंगा जब ये जो है 25 अक्टूबर को शुरू करूंगा, जब मैं इसको ओपन करूंगा, देखते हैं पार्टिसिपेंट बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। तो अभी हम यहाँ पे दोबारा से आ चुके हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्टिसिपेंट बढ़े हैं या नहीं। तो पार्टिसिपेंट तो बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं, पार्टिसिपेंट 3 के 3 हैं और 25 अक्टूबर है। तो हम अभी यहाँ ओपन का लिंक आ चुका है, यानी कि हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है सबसे नीचे यहाँ पे ओपन टेक्निकल बिड दिखेगा और ऊपर सारी डिटेल है। तो यहाँ से मैं फिर क्लिक करूँगा, फिर से ये एक्सटेंड करने के लिए कह रहा है, लेकिन अब हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, अब हम जो है ओपन करेंगे। अभी देखिए, ये वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो टेक्निकल बिड है वो ओपन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कितने पार्टिसिपेंट ने किस किस स्पेसिफिकेशन में प्रोडक्ट को ऑफर किया है। ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि जैसे 3 पार्टिसिपेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये 3 पार्टिसिपेंट हैं, इन्होंने अपना ये प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है व्यू स्टेटस में इसमें आपको इनके डॉक्यूमेंट मिलेंगे, और यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, 3 ऑप्शन मिलेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, प्रिंट का और जो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। तो अगर आप रिजेक्ट करना चाहें तो उससे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो इन्होंने दे रखा है, तो आप जब इस पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसमें आपको क्या करना होता है कि इनके सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके रख लीजिए, क्योंकि जब आप फाइनल परचेज करेंगे, जिसको ऑर्डर देंगे, तो जो डॉक्यूमेंट है वो तीनों का एक साथ जाएगा वहाँ पे बिलिंग के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जा करके पहले इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करना होगा। ठीक, तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ पहले। देखिए, मैं एक प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको, इस सबको सबको इसी तरह से प्रिंट करके रख लेना है, मतलब एक फ़ाइल बना लेनी है। आप चाहे तो अपने सिस्टम में भी जो है इसको PDF बना के सेव करके रख सकते हैं, ताकि बाद में जो है इसको प्रिंट कर सकें।
तो जब आप तीनों को प्रिंट कर लेंगे तो अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सेप्ट रिजेक्ट करने वाले हैं। देखिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पे हम कुछ भी रीज़न लिख देंगे, हम कुछ इस तरह कर लिख देंगे कि एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, एज़ पर रिक्वायरमेंट लिख देंगे, या आप अपने हिसाब से जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं कि आपने जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो किस आधार पर एक्सेप्ट किया है, तो वो रीज़न यहाँ पर आपको लिखना है। इसी तरह से आपको सबको एक्सेप्ट किया है तो एक्सेप्ट का रीज़न देना है, रिजेक्ट किया है तो रिजेक्ट का रीज़न यहाँ पर लिखना है। जब आप इन सभी को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर देंगे तो उसके बाद फाइनली आपको नीचे जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। क्या ऑप्शन मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए इनको मैंने तीनों को एक्सेप्ट कर दिया। तीनों को एक्सेप्ट करने के बाद मुझे देखिए यहाँ पे अपलोड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये दोस्तों ध्यान रखिए कि जब पार्टिसिपेंट कम होते हैं तो कई बार ये ऑप्शन आता है और कई बार ये ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ पे डायरेक्ट फाइनेंशियल ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रीज़न और लिखा हुआ है, बायर शुड अपलोड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल ऑफ एज दिस बिड हैज़ रिसीव्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम लेस देन 3 सेलर एंड 2 OEM ब्रांड। ठीक है, तो इस वजह से ये यहाँ पे मुझे ये अपलोड करना पड़ेगा। तो अभी क्या करना है कि हम जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो बनाएंगे इनका, मैं उसी को उसको भी अपलोड कर सकता हूँ क्योंकि उसमें पूरी डिटेल होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि आप जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनाते हैं या टेक्निकल नोटशीट जो बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इस तरह का एक तरह का एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है। आप जो है तीन या तीन से ज़्यादा हैं, जितने भी सेलर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, आप उनका टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से नोटशीट बना सकते हैं। तो अभी दोस्तों हमारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का क्या है, सारा काम खत्म हो चुका है, मतलब कि टेक्निकल बिड ओपन हो चुकी है। अब एक दिन का गैप देंगे और फिर अगले दिन हम फाइनेंशियल बिड खोलेंगे। तो चलिए अगले दिन की वीडियो में अगली बार से यहीं से स्टार्ट करूँगा। अभी देखो हम यहाँ पे व्यू ऑल पब्लिश पे जाएंगे। तो देखिए अभी हम यहाँ पे ये अप्रूवल लेटर जो है या टेक्निकल नोटशीट जो है वो यहाँ अपलोड कर देंगे और उसके बाद जो है हम फाइनेंशियल ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम साइज 2 MB का है, जो आपकी फ़ाइल होगी PDF में होगी और इसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसे अपलोड कर देता हूँ मैं पहले। फाइल अपलोड हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है। कन्फर्म टेक्निकल इवेल्यूएशन एंड नोटिस नोटिफाई बिडर्स। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसे कन्फर्म एंड प्रोसीड करेंगे। आप इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर यू श्योर यू वांट टू इन टेक्निकल इवेल्यूएशन, टेक्निकल इवेल्यूएशन रिजल्ट विल बी पब्लिश टू सेलर एंड पब्लिक। तो आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म एंड प्रोसीड करने के बाद देखिए आपको क्या ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए डू यू विश टू अपलोड डिटेल्ड TER, तो मैं इस पर नो कर रहा हूँ और नो करके हम जो है सबमिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ओपन फाइनेंशियल बिड का हमें बटन मिल चुका है और हम अभी इसे ओपन करने वाले हैं। और यहाँ पे OTP आएगा, OTP डाल देंगे और वेरीफाई कर देंगे तो हमारा फाइनेंशियल जो है बिड वो खुल जाएगा। हमें पता लग जाएगा हमारे किस सेलर ने क्या प्राइस कोट किया है। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ प्राइस दिख रहा है फिलहाल 92,000 का। अब नीचे यहाँ ओपन एंड अवार्ड जब हम करेंगे तो आपको तीनों सेलर दिखेंगे और L1 किसने दिया है वो भी यहाँ दिख जाएगा आपको। ओपन एंड अवार्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको तीनों सेलर दिख रहे हैं और जो है इनका प्राइस दिख रहा है L1, L2, L3। तो हमें परचेज किससे करना है, हमें L1 से ही परचेज करना है। तो आप फाइनली नीचे जो देखेंगे क्रिएट ऑर्डर में, आपको दिखाता हूँ क्रिएट ऑर्डर का जो बटन मिल गया है, यानी कि आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम नॉर्मल परचेजिंग करते हैं। तो यहाँ से वो जो यहाँ से जो आगे का प्रोसेस है वो नॉर्मल परचेजिंग का प्रोसेस है, मतलब आपका बिड जो है टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड का सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब आप बस क्रिएट ऑर्डर कर करके और इसको जो है ऑर्डर दे सकते हैं, इस L1 को आप ऑर्डर दे सकते हैं, इसको ऑर्डर चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड कैसे ओपन करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा।